लोग सीखने वाले हैं एज और लाइक। जी हाँ, एज और लाइक का फुल कंसेप्ट। जी वैसे अगर बात करें एज और लाइक का, तो ये होता है अपना कंजंक्शन। क्या जी? हाँ, ये होता है कंजंक्शन। बट ये ना दोनों दो तरह से यूज किया जाता है। कितने तरह से जी? दो तरह से यूज किया जाता है। लोग तो सिंपली यूज करते थे यार एज और लाइक, दोनों का मतलब तो होता है के समान। के समान हिंदी क्या होता है दोनों का? के समान। बट ये दोनों हिंदी एक देने के बावजूद भी काम बहुत अलग तरह से करता है। कितनी अलग तरह से? बहुत अलग तरह से करता है, जिस वजह से लोग क्या है वो कंसेप्ट क्लियर ना हो पाने के कारण गलतियां कर देते हैं। लगता है गलती हुआ ही नहीं और हो जाता है ब्लंडर। ओके जी, तो चलिए अब ब्लंडर मिस्टेक ना, फिर सुपरफ्लूस हो जाएगा, सीधे ब्लंडर बहुत बड़ी गलती हो जाता है। ओके, तो चलिए वैसे होता क्या है एज और लाइक? आप लोग का होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। ओके, जैसे देखिए पहला सेंटेंस हम लोग दो तीन तरह से समझते हैं जिससे आपका समस्या ही समाप्त हो जाए कंजंक्शन का, यानी एज और लाइक का। ओके जी, देखिए पहला सेंटेंस है एज योर फादर, एज योर फादर आई विल हेल्प यू एज मच एज कैन, है ना? मैं तुम्हारे पापा जैसा हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं, के समान लगना। बट यहां पे क्या होगा? एज योर फादर, मैं तुम्हारा पापा ही हूं, जो क्या है आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, है ना? मैं तुम्हारा पापा ही हूं जो मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूं, तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है लाइक योर फादर आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारे पापा के समान हूं, मैं तुम्हारे पापा के जैसा हूं, है ना? जो तुम्हारी क्या है ना हेल्प कर सकता हूं, जैसे कोई एक पापा अपने बच्चे को हेल्प करता है वैसे। ये दोनों बात दिखने में आपको एक समान लगता होगा, इक्वल लगता होगा, बट दोनों में डिफरेंट क्या है ये समझते हैं। एज योर फादर का मतलब कन्फर्म मैं तुम्हारा पापा ही हूं, मतलब अपने पापा के लिए एज योर फादर का यूज करते हैं। मतलब एज का यूज कहां पे करते हैं? अपने पापा में से मैं तुम्हारा पापा ही हूं। और लाइक योर फादर मतलब मैं तुम्हारे पापा के समान हूं, ओरिजिनल वाला पापा नहीं हूं लेकिन तुम्हारे पापा के जैसा हूं, पापा के समान हूं। समझ में आया बात? दोनों में क्लियरिटी हुआ? जो एज योर फादर मतलब मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूं, अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं। बट मैं तुम्हारे पापा के समान हूं, पापा नहीं हूं मतलब पापा के जैसा हूं, पापा के समान हूं, तो मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूं। क्लियर? बात समझ में आया? तो एक तो ये था। दूसरा बात है एज और लाइक का। देखिए जब भी हम लोग एज का यूज करेंगे तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते। जी हाँ, सब्जेक्ट आता है, जब भी एज आएगा उसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब तो ऑटोमेटिक आना ही है। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में एज दिया हुआ है तो एज के बाद आपको सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए। ओके जी, और अगर लाइक दिया हुआ है तो लाइक के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कुछ नहीं भी हो चलेगा। आया बात समझ में? जी, एज के बाद हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस और लाइक के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर बात करें सब्जेक्टिव केस का, तो जैसे होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आ जाता है आपका आई और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ओके जी, सब्जेक्टिव केस में आ जाता है वी, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अस। क्या होता है? अस। सब्जेक्टिव केस में आ जाता है यू और इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, है ना? सब्जेक्टिव केस में आ जाता है ही और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सब्जेक्टिव केस में आ जाता है सी, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ओके जी, सब्जेक्टिव केस में आ जाता है आपका दे और उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस?
देम होता है। अगर सब्जेक्टिव केस में आ जाए रवि तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी रवि ही होगा, क्लियर ना। तो नाम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जैसे राधा सब्जेक्टिव में भी आएगी, राधा ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, रवि सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। बट आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर और दे का ऑब्जेक्टिव देम। याद रखिएगा एक बात, एज के बाद ये वाला आएगा, क्या क्या, जी हाँ, एज के बाद ये वाला आएगा, मतलब एज के बाद आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, सी इट एनी वन नेम आ सकता है। बट लाइक के बाद ये वाला आएगा, मतलब लाइक के बाद मी आ सकता है, अस आ सकता है, यू आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, क्लियर ना। जी हाँ, तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस और एज के बाद सब्जेक्टिव केस, याद रहेगा ये बात, याद रहेगा। देखिए हम आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बट चाहते हैं सब कुछ सिखाना और कंसेप्ट के साथ, ओके जी। तो जरूर अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार होंगे तो, जितना दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मिलके पढ़िए जी, लाइक भी थोड़ा किया कीजिए, जो फील आए वो कमेंट में लिख दिया कीजिए। तो चलिए वहां पे हम लोग जरा सेंटेंस में देखते हैं क्या हो रहा था, क्लियर। तो यहां पे क्या समझ में आया, जो एज के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब आएगा, बट लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ओके जी। चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बोल रहा है ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, है ना, क्या बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, क्लियर ना। ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, वो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं बोलता हूँ, है ना, मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे मैं बोलता हूँ। एक क्या है, रवि इज स्पीकिंग लाइक मी, रवि इज स्पीकिंग लाइक मी, रवि भी कैसे बोल रहा है, मेरे जैसा ही बोल रहा है। बट बात जो समझना है वो याद रखिएगा, क्या, जो देखिए भैया जब भी लाइक का यूज करेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, बट एज का यूज करेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, मतलब सब्जेक्टिव केस।